नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है खुशी और दौलत, ऐसा कहा जाता है। अगर मेहनत से आती तो दुनिया के मजदूर सबसे अमीर होते और जंगल का राजा गधा होता। भाग्य का भी विज्ञान है, यह आपको नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से मिलता है। इक्विटी मार्केट में तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कीजिए, और एक्सपीरियंस तो समय के साथ आता है। लेकिन अगर आपकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी है, बैठते उठते हैं आप उनके साथ, तो आपको यह एक्सपीरियंस जल्दी भी प्राप्त हो जाता है। और इससे भी जल्दी प्राप्त होगा अगर आप किसी अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के साथ, जिसने पैसा गंवाया हो, उसके साथ कंपनी रखते हैं तो, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका कुछ जो चीज़ें उसने की उससे लॉस हुआ तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी एक्सपीरियंस है जो आपको अगर लॉस करने के बाद मिलता, लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर से आपको बिना लॉस किए भी मिल जाएगा। तो आज जो फ्रेंड्स हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं, वह सिविल और डिफेंस के लिए कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी का है। दाम 150 रुपए से भी नीचे हैं, वैल्यूएशन सस्ती है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, अच्छी ऑर्डर बुक है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम सिविल और रक्षा निर्माण के व्यवसाय में लगी कंपनी के ऊपर बात करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स सीखेंगे और साथ ही प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। कंपनी है आर के ई सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आर के ई सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सिविल और रक्षा निर्माण के व्यवसाय में। आर के ई सी एक निर्माण कंपनी है जो सिविल और रक्षा निर्माण के में विशेषज्ञता रखती है, जैसे भवन, राजमार्ग, समुद्री कार्य, पुलों का निर्माण, यह समुद्री कार्य, तटवर्ती और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन और निष्पादन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ सुपर स्पेशल क्लास के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के सड़क और पुल विभाग के लिए भी विशेष श्रेणी ठेकेदार के रूप में रजिस्टर्ड है, और उड़ीसा सरकार के लोक निर्माण विभाग के लिए सुपर क्लास सिविल ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है। इससे क्या कौन सी सेवाएं यह प्रदान करती है कंपनी? समुद्री और अपतटीय संरचनाएं, सड़कें और पुल, भवन और बुनियादी ढांचा, विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, LTHT कार्य आदि। ग्राहक हैं इसके MES, DGNP, DRDO, NHAI, भारतीय रेलवे, JNPT, COPT, MBPT जैसे बंदरगाह, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, अडानी इंफ्रा, वेदांता लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम, लोक निर्माण विभाग। अनुबंध से जो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलते हैं उससे जो राजस्व आता है वो 92% है। MPA से मुआवजे के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार 3% है। SEZ में निष्पादित अनुबंध से प्राप्त मध्यस्थता पुरस्कार 5%। इसके पास 1015.09 करोड़ की अधूरी ऑर्डर बुक है, जिसे 2-3 साल में पूरा करना। काफ़ी इसने प्रोजेक्ट पूरे भी किए हैं, लगभग 40 के करीब। मार्केट कैप 318 करोड़ है इसकी। बुक वैल्यू
70 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.50% है। कंपनी भी बहुत छोटी है, 318 करोड़ की क्या कंपनी आज के ज़माने में। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.50% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी से अच्छे क्वार्टर टू रिजल्ट्स की उम्मीद है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 सालों की तुलना में 21.50% अधिक है। प्रमोटर्स का 59.90% का हिस्सा गिर भी है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर हैं, इनमें कॉस्ट बहुत आती है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव कंपनी जो होती हैं, ये IRB इंफ्रा 58 की पी पर, रेल विकास निगम 73 की पी पर मिल रहे हैं। RKEC परियोजनाएं 14% की पी पर, 14 की पी पर मिल रहे हैं। IRB इंफ्रा 58 की पी पर, रेल विकास 73 की पी पर, RKEC परियोजना 14 की पी पर मिल रहे हैं। 59 कंपनियों की एवरेज 27 है। इसके 59 कंपनियां जो इसी जैसे काम करती हैं, तो उनकी एवरेज निकाली है जो वो 27 की पी है, तो इसकी तो पी सिर्फ 14 है। हम इसके जून 23 और जून 24 के रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। जून 23 के अंदर सेल है जो 38.47 करोड़ थी, जून 24 के अंदर 84.67% हो गई। OPM 21.37% था, जो बढ़ जो 15.86% रह गया। नेट प्रॉफिट 2.80 करोड़ था, जो 5 करोड़ 31 लाख हो गया। तो दोस्तों, सेल और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी इंक्रीज है, बहुत अच्छी इंक्रीज है इसमें। अब हम FY 23 और FY 24 के और 30/6/2024 तक TTM भी देख लेते हैं। सेल है जो 300 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 341 करोड़ थी, और TTM है जो वो 387 करोड़ थी 30/6/2024 तक। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 20 करोड़ था, और 30/6/24 को 22 करोड़ था। रिजल्ट्स अच्छे हैं, चाहे साल दर साल हैं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। शेयर कैपिटल 24 करोड़ है, रिजर्व 144 करोड़ हैं, बोरिंग 150 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28 करोड़ है। बैलेंस शीट ठीक है। प्रमोटर 67.30% है, पब्लिक के पास 32.70% है। दाम 130 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 148 रुपये और 65 रुपये हैं। EPS 9.37 रुपये है। PE 14 है, सेक्टर PE 41 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। EPS के हिसाब से शेयर वैल्यूएशन सस्ता है। कंपनी को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से 186.70 करोड़ का अभी ऑर्डर मिला है। एक वर्ष में 300-325 तक जा सकता है। रीवैल्यूएशन अगर होता है तो ज़्यादा भी हो सकता है। इस प्रकार आने वाले समय में ये ऐसा सोचा जा रहा है कि रिवैल्यूएशन जरूर होगा। डेट टू इक्विटी 0.82 है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मंथ में 8%, एक साल में 76%, 3 वर्ष में 78%, 5 साल में 231% का रिटर्न है। एक वर्ष की फोरकास्ट 225 रुपये है। मार्केट ट्रेंड ठीक रहता है तो 253 रुपये तक भी जा सकता है। अच्छी बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, वैल्यूएशन चीप है, 2 साल में 300 रुपये तक इजीली जा सकता है, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। अनुमान तो अनुमान होते हैं, जिस तरह दूसरे लोग अनुमान लगाते हैं, ऐसे हम लोग भी अनुमान लगाते हैं। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लेना। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।